हेडलाइंस आपने जानी, इलाकाई खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सोहबतपुर की, जहां पर वाटर सप्लाई के तालाबों की सफाई ना होने के बायस शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। वाटर सप्लाई के पाइप जगह जगह से फट चुके हैं और पानी के तालाब भी गंदगी से भर गए हैं। पाइप फट जाने की वजह से निकासी आपका पानी पीने के पानी में शामिल हो रहा है। इसके हवाले से मजीद हम तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सावल जान से। जी सावल, बताइएगा कि क्या किसी आवामी नुमाइंदे ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया है? जी बिल्कुल नायमा, महकमा पीएचसी की गफलत से शहरी गंदा और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जगह जगह पानी के पाइप फटे हुए हैं और फटे पाइपों में गटरों का पानी मिक्स होकर शहरियों के घरों तक आ रहा है, जिससे पानी पीने के काबिल नहीं होता और पानी बदबूदार और आलूदा हो जाता है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वाटर सप्लाई की जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। 2010 के सैलाब के बाद करोड़ों रुपए की लागत से शहरियों को मीठे और साफ पानी के लिए लगाया गया फिल्टर प्लांट भी ताल खराब पड़ा हुआ है और हर माह फिल्टर प्लांट और वाटर सप्लाई के लिए लाखों का बजट ना जाने कहां खर्च हो रहा है। वाटर सप्लाई का पानी शुद्ध होने की वजह से शहरियों को मीलों दूर पट्टी के नाल से महंगे दामों मीठा और साफ पानी मंगवाने पर मजबूर है। फी के 30 से 40 रुपए का मिलता है। शहरियों को मीठा और साफ पानी फराहम करने के लिए साबिक निगरान वजीर आजम भी ने करोड़ों रुपए की लागत से नई वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर करवा कर दी, मगर वो भी शहरियों को मीठा और साफ पानी फराहम न कर सकी, जिसके बाद शहरी दूर दराज से मीठा और साफ पानी मंगवाने पर मजबूर है। जी बहुत शुक्रिया सावल जान, आपने हमें सोहबतपुर की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया।